दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए हमने नए वीडियो लेके आए हैं बहुत टाइम के बाद, और हम कुछ लेंज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इस तरह के इस टाइम देखते हैं, हमने इंडोर और आउटडोर की लेंज़ें लेके आए हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अब हम बताएँगे आप कुछ लेंज के बाद, जिस तरह के इस टाइम आप देख सकते हो इस लेंस को, ये 70-300 लेंस है और ये आउटडोर के लिए है, इंडोर नहीं है, ठीक है। ये आउटडोर का लेंस है और इसका प्राइस है 14,000 रुपये। ये टिमरॉन का है और ये कैनन माउंट में है। सर के इस टाइम आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये कैनन माउंट में है। उसके बाद आता है सिग्मा लेंस, ये 70-300 सिग्मा का है, लेकिन इसमें ऑप्शन माइक्रो ऑप्शन भी होता है। ये सिग्मा का लेंस है, ये भी कैनन माउंट में है और इसका प्राइस 17,000 रुपये। ये टिमरॉन से अच्छी कंपनी है और अच्छा लेंस है, ठीक है। और ये साफ़ सुथरा नहीं, इस टाइम आप देख सकते हो इसकी कंडीशन। उसके बाद आता है 55-250, ये एम एस स्टेबलाइजर है और ये भी आउटडोर के लिए है और इसका प्राइस भी 16,000 रुपये। और ये साफ़ सुथरा लेंस, इस टाइम आप देख भी सकते हो, इसमें एम स्टेबलाइजर भी और लेंस बिल्कुल साफ़ सुथरा लेंस है। उसके बाद आता है टिमरॉन का, ये भी टिमरॉन का, लेकिन ये निकॉन अमाउंट में है और इसका प्राइस भी 14,000 रुपये। ये भी आउटडोर के लिए होता है, 70-300 आउटडोर के लिए लेंस होता है, इनडोर लेंस नहीं है, ये आउटडोर के लिए है। उसके बाद ये 18-135 लेंस है, ये इनडोर भी चलता है और आउटडोर भी चलता है। ये STM लेंस है और ये जो ऑटोपोक्स बॉडीज होते हैं, जिस तरह का 80D हो गया या 700D या 750D हो गया, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरत है। और जो फोटोग्राफर होते हैं, सबसे पहले तो इसी लेंस को लेना पड़ता है, क्योंकि ये इनडोर भी होता है और आउटडोर भी होता है। और ये बिल्कुल साफ सुथरा लेंस है, इसका 25,000 प्राइस है।